हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो आज की डेट है 4th November 2019 और यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि बताइए अर्जेंटीना की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो जैसा कि आप इवन मैप पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो वह है अर्जेंटीन पीसो, और इसकी लोकेशन बेसिकली आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नजर आएगी। उसके अलावा आसपास की कंट्रीज देखे जिसकी, यहाँ पे चिली है, ऊपर बोलीविया है, पैराग्वे है और उरुग्वे है। अगर हम बात करते हैं रिसेंटली अर्जेंटीना न्यूज में क्यों था, तो इनके नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट होकर आए हैं जिनको आप राइट साइड पे देख सकते हैं। इनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडिस, और इसके अलावा लेफ्ट साइड पे जिनको आप देख रहे हैं ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना। तो यहाँ पे कुछ न्यूज ऐसा भी आ रही है कि जो अभी के प्रेसिडेंट सेलेक्ट होकर आए हैं ये भी इसलिए पपेट प्रेसिडेंट की तरह काम करने वाले हैं इनके अंडर। अब उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया और अर्जेंटीना के रिलेशन के बारे में। तो इसी साल फरवरी के महीने में इनके जो पिछले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है मॉरिशियो मैक्री, इन्होंने इंडिया को विजिट किया था। और 2019 इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया और अर्जेंटीना के जो रिलेशनशिप है उसे 70 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो पॉलिटिकल टाइज है वो तो 1943 से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और काफी सारी चीजों पे यहाँ पे बातचीत हुई थी जैसे कि लिथियम हो सकता है, शेल गैस, फूड सिक्योरिटी और इवन डिफेंस पे कॉपरेशन करने की बात की गई थी। अब जो फरवरी में मीटिंग हुई थी तो उसमें काउंटर टेररिज्म जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि आप जानते हैं उसी टाइम पर पुलवामा अटैक भी हुआ था। तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कंडेम किया था इस पूरे टेररिस्ट अटैक को। उसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे अर्ज किया था कि इंप्लीमेंट किया जाए 11 पॉइंट एजेंडा ऑफ हैम्बर्ग स्टेटमेंट ऑन काउंटिंग टेररिज्म, जो कि अग्री किया गया था G20 के समिट में इन 2018। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक पावर हाउस की तरह काम करता है अर्जेंटीना। तो ऐसे काफी सारे कमोडिटीज है जो इम्पोर्ट कर सकते हैं हम इंडिया की तरफ, जिससे हम अपनी फूड सिक्योरिटी को प्रॉब्लम को भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अर्जेंटीना बेसिकली लिथियम ट्रायंगल में इन्वॉल्व है, मतलब 54% ऑफ लिथियम के जो रिजर्वर्स है आपको अर्जेंटीना में नजर आएंगे। इसी वजह से यहाँ पे एक इंडियन पब्लिक सेक्टर माइनिंग कंपनी है जिसका नाम है खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो ये ज्वाइंट वेंचर कर रहा है यहाँ पे ताकि लिथियम माइनिंग कर सके अर्जेंटीना में। उसके अलावा इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने जो है प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है मर्कोसर के साथ। और मर्कोसर है क्या, ये बेसिकली एक साउथ कॉमन मार्केट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो कंट्रीज है ये कॉपरेट करती है। कौन कौन सी कंट्रीज है वो भी आप देख सकते हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला और बोलीविया। इस तरीके से बाकी कंट्रीज एक ग्रुप बना लेती है ट्रेड करने के लिए, उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी एक कॉमन मार्केट बनाने की कोशिश की गई है जिसका नाम है मर्कोसर। उसके अलावा रिलेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे एजेंडास हैं इंडिया के जिसको जो है अर्जेंटीना सपोर्ट करता है। कुछ एग्जांपल जैसे कि WTO में रिफॉर्म्स करवाना उसको सपोर्ट करता है, उसके अलावा यहाँ पे UNSC में रिफॉर्म्स कराना तो उसको भी अर्जेंटीना ने सपोर्ट किया है। उसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है जैसे कि MTCR हो सकता है, वासना अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, तो इसमें एंट्री के लिए जो है अर्जेंटीना ने हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन है कि बताइए IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा वियना में, जो कि है ऑस्ट्रिया में। और इसकी अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1957 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। अब इसका काम क्या है, अब ये बेसिकली प्रमोट करता है कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रोहिबिट किया जाए किसी भी तरीके का मिलिट्री पर्पज ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी। अब यहाँ पे कौन कौन से मेन वर्क है देख सकते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स सेफगार्ड एंड वेरिफिकेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो है IAEA करता है। अब बात करते हैं एडिटोरियल पेज की। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे पहला आर्टिकल इंडिया और जर्मनी के रिलेशन के बारे में आया हुआ है। तो रिसेंटली जो है जर्मनी की जो वाइस यहाँ पे चांसलर है जिनका नाम है एंजेला मर्कल, तो इन्होंने विजिट किया था इंडिया को। अब यहाँ पे क्या क्या बातचीत हुई है तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल WTO और इंडिया के रिलेशन के बारे में आया हुआ है। तो WTO ने एक रीसेंट वर्डिक्ट पास किया इंडिया के खिलाफ, अब वो क्या वर्डिक्ट है उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सेंटर वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली बताता है इंडिया के बिजनेस में काफी सारी प्रॉब्लम इस वक्त देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, क्रेडिट इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है, तो कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम पे, तो उसको रिकमेंड किया गया है ऑथर के द्वारा, तो उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे।
नीचे ये वाला आर्टिकल क्रिकेट से रिलेटेड है, यहाँ पे आप कंटेक्स्ट जान सकते हैं कि यहाँ पे जो शकीब अल हासन है, तो इनको बेसिकली जो है यहाँ पे बैन कर दिया गया है फॉर 2 ईयर्स बाई ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी। अब इनकी गलती बेसिकली ये है कि इनको बहुत सारे बुकीज ने जो है यहाँ पे अप्रोच किया था, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने ये ICC को कभी नहीं दी, तो इसी वजह से जो है इनको बैन कर दिया गया है। तो उसी के बारे में आर्टिकल आया हुआ है। बेसिकली बांग्लादेश के ये यहाँ पे कैप्टन रह चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन चल रहा है तो उसके बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अगर हमें एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है। ऑलरेडी यहाँ पे एयर पोल्यूशन के लिए एक एक्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस आर्टिकल में ऑथर का रिकमेंडेशन ये है कि इस एक्ट को अमेंड करके और ज्यादा जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोविजन रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए कि जैसे कि बाकी कंट्रीज में जो है ऐसे स्ट्रिक्ट यहाँ पे लॉज बनाने से जो है चेंजेस आए हैं, जैसे कि चाइना और US के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे इस आर्टिकल में। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल बेसिकली एक जर्मन फिलोसोफर के बारे में आया हुआ है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो डिस्कस नहीं करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अभी हम यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लाओस। लाओस की लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। इसकी अगर कैपिटल की बात करते हैं तो है बिस्ली वियनशियान, और आसपास जो कंट्री बॉर्डर करता है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, यहाँ पे कंबोडिया है। अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो वो है बिस्ली लाओ किप। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पिछले साल जो है यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यहाँ पे मिनिस्टर थी यहाँ पे सुषमा स्वराज जी, तो इन्होंने विजिट किया था लाओस को, और वहाँ पे जो इंडिया के जो यहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे, तो उनको यहाँ पे जो है बातचीत की थी उनके साथ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉपरेशन की, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे यहाँ पे शुरू हुए थे 1956 में, और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने लाओस को विजिट किया था इन 1954, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने लाओस को विजिट किया था 1956 में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाओस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है अपने यहाँ पे टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से, इकोनॉमिक हिसाब से, तो उसको यहाँ पे कर्टेल करने के लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत है, और लाओस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाओस हैज बीन सपोर्टिव ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो लाओस हमें हमारे जो है परमानेंट मेंबर की सीट के लिए भी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। उसके अलावा स्ट्रेटजिक टाइज की अगर हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में हमने काफी सारा काम किया हुआ, जिसकी इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो एक एयरफोर्स अकेडमी यहाँ पे डेवलप करेगा लाओस में। उसके अलावा यहाँ पे लाओ डिफेंस फोर्सेस को हमने पैराशूट गिफ्ट में दिए थे, तो उसी तरीके से काफी सारी ट्रेनिंग जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं पहले आर्टिकल की। पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है किस तरीके से हम जर्मनी के साथ एंगेज कर सकते हैं, और रीसेंट कंटेक्स्ट ये है कि जर्मनी के चांसलर यहाँ पे एंजेला मर्कल जो है इन्होंने विजिट किया था इंडिया को। अब किस तरीके से यूरोप में एक काफी पावरफुल कंट्री जैसे कि जर्मनी जो है इंडिया के साथ यहाँ पे एंगेज करना चाहता है काफी अच्छी बात है, लेकिन इंडिया को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें इस चीज़ों को हैंडल करना है तो कुछ बेसिक रिफॉर्म जो है हमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम में करना पड़ेगा। और वो कौन से रिफॉर्म है, किस तरीके की रीजनल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है ऑथर के द्वारा, उसको हम यहाँ पे जानते हैं। और यहाँ पे कंटेक्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे जो जर्मन चांसलर है एंजेला मर्कल, तो इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था इंडिया में। अब वो चाहती थी कि किस तरीके से यूरोपियन इंटरेस्ट जो यहाँ पे एक्सपैंड किया जा सके। ऑब्वियसली बात है जर्मनी जो एक नेचुरल लीडर बन जाता है यूरोप का, और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजंस है वो पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा बात करते हैं आज के टाइम में आसपास जो बहुत सारी कंट्रीज जिनके साथ जर्मनी पार्टनर करता था, जिसकी US हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप काफी अनरिलायबल हो चुके हैं, चाइना और यहाँ पे US के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, उसी के तरीके से यहाँ पे चाइना और रशिया एक एक्सेस बनाता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जर्मनी को एक खोज थी कि एक नए पार्टनर्स की, तो उसी वजह से यहाँ पे इंडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाता है उस पूरी लिस्ट में। उसके अलावा यहाँ पे कंटेक्स्ट आप देख ही रहे हैं कि जो फिफ्थ राउंड ऑफ इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन था उसके अंतर्गत तो यहाँ पे आई थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स यहाँ पे बातचीत करते हैं और उन सारे सेक्टर्स में नए अग्रीमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी आप देख सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज, इस पर ऑलरेडी काम हो चुका है। अब यहाँ पे नए नए सेक्टर्स जैसे कि स्पेस, सिविल एविएशन, मैरिटाइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। इवन यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जर्मनी को भी इन्वाइट किया कि वो विजिट कर सकता है और अपॉर्चुनिटी सी कर सकता है इन दी अपकमिंग डिफेंस कॉरिडोर जो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बना रहे हैं।
उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं तो जो रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं यूएनएससी में या फिर डब्ल्यूटीओ में, तो उसमें भी हेल्प यहाँ पे जर्मनी और सपोर्ट कर रहा है हमें इस वक्त। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के फैक्टर में यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना और इवन यहाँ पे $1.1 बिलियन का जो यहाँ पे वो तैयार है देने के लिए फॉर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी। उसके अलावा इकोनॉमिक सेक्टर में बात करते हैं तो यहाँ पे नेगोशिएशन रिस्टार्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे BTIA में, यानी कि बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के अंतर्गत। उसके अलावा जॉइंट यहाँ पे रिसर्च होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भी यहाँ पे शेयर करने की बात की गई है। अब इंडिया और जर्मनी के स्ट्रैटेजिक टाइज के बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये 2001 में यहाँ पे शुरू हुई थी और ऑब्वियसली जर्मनी जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का विद इन यूरोप और इवन G4 का हम पार्ट है जिसके अंतर्गत इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान आता है। G4 बेसिकली वो नेशंस है जो सपोर्ट करते हैं ईच अदर के बिड्स टू बिकम द परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। उसके अलावा दोनों ही कंट्री जो है FATF के मेंबर भी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप जानेंगे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो मैं बार बार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे बताता हूँ। वैसे तो इंडिया ने कोई डेफिनेट यहाँ पे डेफिनेशन दी नहीं है इस पर्टिकुलर टर्म की, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्रूड टर्म्स में बात करेंगे तो यूजुअली यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज में जब हम यहाँ पे पार्टनर अप करते हैं या फिर उसी के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, बैंक, इन्वेस्टमेंट से अगर डील कर रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो उसे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप कहा जाता है। अब बात करते हैं जो नए इंटरेस्ट यहाँ पे जर्मनी दिखा रहा है इंडिया की तरफ, ऑब्वियसली बात है काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे जब एंजेला मर्कल विजिट किए थी यहाँ पे इंडिया में, उससे पहले जो है जर्मन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके अंतर्गत ये बताया था कि इंडिया के साथ जो हमें यहाँ पे अपने टाइज को बूस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से उनके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो काफी अनरिलायबल होते जा रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इसी वजह से यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ हम जर्मनी के साथ रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन है उसे लीड करता है जर्मनी, तो इसी वजह से जो है हम जर्मनी को अगर हम यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में भी हमें एंटर कर सकते हैं और जर्मनी एक गेटवे की तरह हमारे लिए काम करेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं काफ़ी वैरायटी के अग्रीमेंट्स इस बार साइन हुए हैं, जिसकी अगर हम बात करते हैं डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड, पहले भी हमने काफ़ी सारे अग्रीमेंट साइन किए लेकिन अब नई नई चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं जिसकी साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। उसके अलावा बात करते हैं कि इतने सारे अग्रीमेंट साइन हुआ अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या कंसर्न्स है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये है कि इंजाम ये लगता है इंडिया पे कि हमने जो अपना ट्रेड अभी तक लिबरलाइज कंप्लीटली नहीं किया है, क्योंकि हम काफी ज्यादा टैरिफ अभी भी लगाते हैं तो जो कि डिसइंसेंटिवाइज करता है बाकी कंट्रीज को हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने से या फिर चीजों को भेजने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभी भी काफी सारी चीजों पर इकोनॉमिक रिफॉर्म करना जरूरी है, जिसकी लेबर लॉस हो सकते हैं, लैंड लॉस हो सकते हैं, तो वो अभी भी डिफाइंड नहीं है करेक्ट तरीके से। उसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी हमने बात की थी, हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी टसल चल रही है रीसेंट, इस साल में तो काफी ज्यादा टसल देखने को मिली है, तो ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कोई भी अगर थर्ड कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, अगर उसे ये लगता है कि इस कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है तो शायद वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो रीजनल स्टेबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से यहाँ पे जो है एंजेला मर्कल ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया था कश्मीर से रिलेटेड कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ये सस्टेनेबल नहीं है और इसे इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ तो यही समझ में आती है कि भले ही जर्मनी इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर यहाँ पे कश्मीर का जो इश्यू ठीक से सॉल्व नहीं हुआ, अगर प्रॉब्लम जो अभी भी चल रही है, काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अभी भी डिटेन किया हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो समझने की जरूरत यह है कि अगर हमने नेसेसरी स्टेप्स टाइमली मैनर पे नहीं लिए तो हमारे खुद के जो दोस्त कंट्रीज है वो भी एक ना एक टाइम के बाद जो है सवाल उठाने लगेंगे हमारे ऊपर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप, तो जो रीसेंट विजिट है उसके अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आर्टिकल यहां पे WTO के बारे में आया हुआ है, तो यहां पे रिसेंटली जो है इंडिया के अपील के अगेंस्ट जो यहाँ पे वर्डिक्ट दिया गया है और किस तरीके से इनके जो हमारे जो एक्सपोर्ट रिजिम स्कीम्स है उसको यहाँ पे विड्रॉ करने की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एंगल क्या है। अब यहाँ पे बोला ये गया है कि इंडिया जो है काफी सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का इस्तेमाल करता है। अभी क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, अगर हम मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है, आप कुछ चीज यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, आप उसे फिर एक्सपोर्ट करते हैं, अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े, तो इसके लिए क्या है वो आपको इंसेंटिवाइज करना शुरू करेगा कि मतलब जैसे कि जो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं उस पर छूट दे दी जाएगी, तो वो सारी चीजें जो यहाँ पे स्कीम्स के अंदर की जाती है। लेकिन WTO के रूल्स के हिसाब से ये जो स्कीम्स है ये रिजर्व है ओनली फॉर पुअरेस्ट कंट्रीज। अब पुअरेस्ट कंट्रीज मतलब ये जिनका
पर कैपिटल इनकम जो है लेस देन $1,000 हो। लेकिन अब इंडिया जो इस पुअरेस्ट कंट्रीज की लीग से बाहर आ चुका है, तो हम ऐसी स्कीम्स प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जो इंडिया में ऑलरेडी स्कीम एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ईपीसीजी यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, या फिर एससीजेड स्कीम, या फिर जो MEIS यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम, तो ये सारी जो स्कीम्स है इसे हटाने की बात की जा रही है WTO के द्वारा। अब ऑब्वियसली बात है, इंडिया को ये पहले ही समझ में आ गया था, तो इसके संदर्भ में जो है यहाँ पे हमने एक WTO रूल्स के कंप्लाई करता हुआ एक नया स्कीम लेकर आया, जिसका नाम है रिमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली सेम ही चीज करता है, लेकिन WTO के साथ कुछ जो रूल्स है उसके साथ कंप्लाई कर पाता है। अब यहाँ पे MEIS के बारे में कुछ बेसिक डिटेल आप जान सकते हैं। अब यहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती है जब आप यहाँ पे कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए स्कीम को लाया गया था। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने एक चीज को प्रोड्यूस किया, उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में काफी टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, आपको राइट अमाउंट में रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया, कभी कभी इनएक्यूरेसीज होती है चीजों को प्रोड्यूस करने में, तो उन सब चीजों को जो यहाँ पे इनएफिशिएंसी जो है उसको यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पैसे दे देता है, इंसेंटिवाइज करता है कि आपके पास जो एग्जिस्ट करता है तो उसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिए, और जितना भी एक्स्ट्रा वेस्टेज आ रहा है उसका पैसा जो है गवर्नमेंट आपको देता है। उस हिसाब से यहाँ पे कंट्रीज को डिवाइड किया गया है कि आप कौन सी जगह पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप ए में EU कंट्रीज और USA आता है, ग्रुप बी में देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज आती है, उसके बाद ग्रुप सी में यहाँ पे SAARC, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और EU आता है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग की थी इस स्कीम के अंतर्गत। लेकिन ये स्कीम अब जाने वाली है, क्योंकि WTO के जो यहाँ पे वर्डिक्ट आया उसके साथ ये कंप्लाई नहीं करता है। अब बात करते हैं MEIS स्कीम के बारे में, तो इसमें बेसिकली कंपनसेट किया जाता था सारे एक्सपोर्ट को जो कि एफिशिएंसीज को यहाँ पे खराब करता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी रेट काफी ज्यादा है, या फिर कस्टम्स में यहाँ पे क्लियर होने में डिले लगता है, तो इन सब में जो प्रॉब्लम और जो इफेक्टिव इकोनॉमिक कॉस्ट आता था तो उसके जो पैसे यहाँ पे गवर्नमेंट इनको दे देता था, इन सारी कंपनीज को। अब ये जो स्कीम है ये जा सकता है, लेकिन उसकी जगह जो है नई नई स्कीम्स यहाँ पे हम लेकर आ सकते हैं जो WTO रूल्स के हिसाब से कंप्लाई करता हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर ये स्कीम चली भी जाती तो ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सारी स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसके बावजूद जो है हमारे एक्सपोर्ट काफी ड्विंडलिंग है, तो इसका मतलब ये कि जो एक्सपोर्ट के जो स्कीम्स हम लोग प्रमोट कर रहे हैं वो अभी भी इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो इससे एक चीज तो ये समझ में आती है कि हमें जो है अपनी जो एक्सपोर्ट स्कीम्स और जो पूरा यहाँ पे मेथड है उसे इवॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक नई स्कीम एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो आई थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है निर्विक स्कीम। ये बेसिकली जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम की तरह वर्क करता है, जो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर यहाँ पे इंश्योरेंस आपको दिया जाता है, तो वही एक स्कीम है जो रिसेंटली न्यूज में थी। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। अब यहाँ पे इंडिया का जो यहाँ पे स्टैंड है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे इंडिया के हाथ में क्या है, अब वो बेसिकली अपलेट बॉडी पे अपील कर सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिसंबर 11 के बाद जो है जो अपलेट बॉडी में 3 मेंबर्स बैठते हैं उसमें से 2 लोग जो है वो रिटायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे WTO के रूल्स के हिसाब से 3 मेंबर होना जरूरी है, वरना ये डिसफंक्शनल हो जाएगा पूरा अपलेट बॉडी, तो इसीलिए दिसंबर 11 से पहले जो है अपील करके वर्डिक्ट लेना जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना ऑब्वियसली बात है हमें जो अपनी एक्सपोर्ट रिजिम है, जो परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करने के लिए नई स्कीम्स और फिर से रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आज के टाइम में इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमें जो है अपने एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बनाने हैं, और इवन RCEP के नेगोशिएशन हो रहे हैं, तो जहाँ पे कॉम्पिटिशन और बढ़ने वाला है, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए जब तक हम यहाँ पे सॉलिड एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे इंडिया लॉस में ही रहेगा। अगला करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए विच सिटी इज इंक्लूडेड इन क्रिएटिव सिटी लिस्ट ऑफ यूनेस्को इन 2019 फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बोथ BNC। तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली मुंबई और हैदराबाद दोनों, तो दोनों को यहाँ पे क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में जो है ऐड किया गया है। यहाँ पे और न्यूज आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स, और यहाँ पे जो है सॉरी मुंबई में क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स और हैदराबाद में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की वजह से जो है इन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे जो सिटीज है उनको ऐड किया गया है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है तो इसे भी इसलिए क्रिएट किया गया 2004 में, और ये कंप्लाई करता है विद वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11, जिसके अंदर हम सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को बनाने की बात करते हैं, तो क्राफ्ट, फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट, इन सब की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। और अक्टूबर 31 को जो है बेसिकली वर्ल्ड सिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के अंतर्गत ये बेसिकली लिस्ट रिवील की गई है। और इस बार की जो थीम है वो भी आप देख सकते हैं, चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशन एंड अ बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला आर्टिकल यहाँ पे जो बिजनेस में ट्रबल देखने को मिल रहा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जो सोशल ऑर्डर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे।
अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले ये बताया है कि इंडियन बिजनेस इस वक्त काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जिसकी यहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, इतना ज्यादा क्रेडिट फ्लो नहीं हो रहा, कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा स्क्वीज हो चुका है, तो जो नॉर्मल जुगाड़ हम यूज करते थे वो अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो एक फ्रेंच सेइंग है, बेसिकली प्रोवर्ब जिसका नाम है द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इवॉल्व होता रहता है लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो चेंज नहीं होते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दुनिया के सारे बिजनेस प्लान को अगर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, अगर वो बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड ऑफ द डे दे विल बॉयल डाउन टू सेम प्रिंसिपल जो कि फंडामेंटल है, जिसकी क्वालिटी, कॉस्ट कंट्रोल, इकोनॉमी ऑफ स्किल्स, इनोवेशन, लीडरशिप और उसके बाद प्रिंसिपल गवर्नेंस। तो यही कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जिनके बारे में फिर से डिस्कशन होगा। तो फंडामेंटल्स को ना भूलना जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे फ्यूचर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पहले पास से क्या सीखना है वो जान लेते हैं। कि जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था कंप्यूटर एंड आईटी का, तो उसमें इंडिया ने काफी सारी गलतियां की थी, जैसे कि हम लोग पूरी तरीके से लिबरलाइज नहीं हुए थे, लाइसेंस राज थोड़े टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसी वजह से हम कंप्लीटली जो है यहाँ पे थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हार्नेस नहीं कर पाए। अब जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इसको टर्म किया गया था यहाँ पे फाउंडर WEF के द्वारा, तो इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, जीन सीक्वेंसिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज आने वाली है। अगर हमें इन सब चीज को ठीक से इस्तेमाल करना है तो हमें ना सिर्फ टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करनी है, उसी के साथ साथ अपने पूरी सोशल सोसाइटी को यहाँ पे इसके लिए तैयार करना जरूरी होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गवर्नेंस इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस कैसे रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे दो मिनट सोचेंगे कि अगर मान लीजिए आपके कंट्री में सारी कंपनीज काफी अच्छे से काम कर रही है लेकिन कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है, जिसकी आप एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया NGO है जिसका नाम है एक्सटेंशन रेबिलियन, तो इन्होंने जो है पब्लिक को कंपेल किया है कि वो जो है कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट को बोले कि कोई स्टेप ले। उसी तरीके से हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सैंटियागो जो कि चिली में है वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेट्रो के टिकट्स के प्राइसेस राइज हो गए, तो वो ट्रिगर पॉइंट काम कर रहा था। उसी तरीके से लेबनन में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप पे टैक्स लगाया गया था। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पिछले साल जो है फ्रांस में येलो वोस्ट मूवमेंट चला था। तो इतने सारे प्रोटेस्ट के बीच में अगर आपकी कंट्री में सब कुछ एफिशिएंट है फिर भी जो है सब चीजें नीचे आने लगेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है बिजनेस को सबसे ज्यादा हैम्पर करता है। अब हमने समझ लिया कि जो सोशल ऑर्डर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि सोशल ऑर्डर को हैंडल करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए बिजनेस क्या कर सकते हैं, तो कंपनीज के पास एक चैनल है, भले वो ब्रिज नहीं कर सकता लेकिन कम से कम एक ट्रस्ट डेफिसिट जो चल रहा है यहाँ पे लोगों के बीच में और कंपनीज के बीच में, तो उसे रिड्यूस करने का एक मैकेनिज्म है CSR स्ट्रैटेजी। CSR स्ट्रैटेजी के अंतर्गत जो है हम कंपनीज काफी सारी अच्छे अच्छे काम करते हैं, इसकी एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, इन सब चीजों में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद CSR के जो फंड्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, तो इसी वजह से टाइम बाउंड मैनर में इसका इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका इस्तेमाल करके बिजनेस जो है सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बना सकते हैं और इससे जो है सोसाइटी और जो बिजनेस के बीच में जो प्रॉब्लम यूजुअली चलती है उसे आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसे प्लान किया जाए तो बिजनेस और सोसाइटी के बीच में ज्यादा कोई जो है प्रॉब्लम्स देखने को कम मिलेंगी। अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है डस्ट लीग 2019 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एक इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होने वाला है। चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, फ्रांस, कजाकिस्तान, जापान और उज्बेकिस्तान। तो ये जो दस लीग 2019 मिलिट्री एक्सरसाइज है पहली बार इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ होने वाली है और बेसिकली नंबर 4 से यहाँ पे शुरू होगा और ये जो एक्सरसाइज है उज्बेकिस्तान में होगी। इसके बारे में और डिटेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कोऑपरेशन कर किया जा सकता है, उसके साथ बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर किया जाएगा। उज्बेकिस्तान की लोकेशन भी आप देख लीजिए, इसकी कैपिटल बेसिकली ताशकंद। अगला आर्टिकल यहाँ पे दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसके बारे में यह आर्टिकल आया हुआ है। ऑथर का मानना काफी सिंपल है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके लिए हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो 1981 का एयर एक्ट है उसको अपडेट किया जाए। अब यहाँ पे अपडेट में क्या क्या चीज होगी वो भी हम यहाँ पे जानेंगे, लेकिन कंटेक्स्ट आप जैसा कि जानते हैं दिल्ली का जो AQI इंडेक्स है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 500 क्रॉस कर चुका है, तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई है यहाँ पे दिल्ली में। ऑब्वियसली बात है जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये अफेक्ट करने वाला है ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऑफ लॉट ऑफ पीपल, जैसे कि यहाँ पे बच्चे होंगे, एल्डर होंगे, वुमेन होंगी, मैन होंगे, तो इन सब चीजों को, इन लोगों को जो यहाँ पे अफेक्ट करने वाला है। उसके साथ साथ स्कूल यहाँ पे बंद कर दिए गए क्योंकि ऐसे मतलब गैस चैम्बर वाले एरियाज में यहाँ पे मूव नहीं किया जा सकता है। और कुछ तो यहाँ पे रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दिल्ली के एरिया में अगर आप यहाँ पे सांस ले रहे हैं तो इट इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग 22 सिगरेट्स, तो इतना हार्मफुल इस वक्त हो चुका है। अब यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन ये है कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट
यहाँ पे है एयर एक्ट, तो उसको अमेंड करते हैं इस तरीके से कि जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम चल रही है उसको रिजॉल्व किया जा सके। अब ऑब्वियसली बात है, एयर पोल्यूशन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल दिखेगा, अगले साल नहीं दिखेगा, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करने वाली है। तो एक रॉबस्ट मैकेनिज्म डेवलप करना जो है किसी भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब ऑब्वियसली बात है कि लेजिस्लेशन बनाना एक बात होती है और उसको इंप्लीमेंट करना दूसरी बात होती है, लेकिन लेजिस्लेशन बनाना पहला स्टेप है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं यूएस का, उन्होंने यहाँ पे क्लीन एयर एक्ट लेकर आए थे और इसका रिपरकशन ये हुआ था कि 73% जो एयर पोल्यूटेंट्स थे कॉमन, वो जो है रिड्यूस हो गए थे 1970 से 2017 के बीच में। तो इतना ड्रास्टिक इफेक्ट आया था। उसी तरीके से जब चाइना ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन, तो उसके अंतर्गत जो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिलेट मैटर है वो 32% रिड्यूस हो गया था 2018 तक। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हम सीख सकते हैं एक वेल स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रिंगेंट लॉ जो है काफी अच्छे से काम कर सकता है। कुछ महीनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि अगर हमें पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें एक पोल्यूशन मैनेजर बनाना चाहिए या फिर एनवायरमेंट मैनेजर, जो भी इसलिए कंप्लीट ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी रखता हो। क्योंकि अभी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ये है कि कोई एक बॉडी अकाउंटेबल नहीं है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एक दूसरे की डिपार्टमेंट को जो है ब्लेम करने लगते हैं। सेम चीज गवर्नमेंट का भी है, वो दूसरी गवर्नमेंट को जो है ब्लेम करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन से ये होगा कि ना सिर्फ हम यहाँ पे मिशन बनाएंगे, एम बनाएंगे, उनको अचीव करने के लिए जो है बजट में भी एलोकेशन करेंगे। क्योंकि अभी के टाइम में काफ़ी बजट कम है, कोई लीगल मैंडेट नहीं है, इवन एनकैप यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ 300 करोड़ रुपये डाले गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। इसलिए बोला गया है कि जो पुराने एक्ट्स है जैसे कि एयर एक्ट, तो उसको किस तरीके से जो है अमेंड किया जा सकता है। अब अमेंड करने की मैंने बार बार बात की है, अब अमेंड में क्या क्या करना है। सबसे पहले ये कि पोल्यूशन बोर्ड को जो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी देनी है, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग बोर्ड्स यहाँ पे काम करते हैं, इवन ग्रैप के अंदर देखा था काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स एक साथ आ रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, एक डिटरेंस क्रिएट करना कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं जैसे कि व्हीकुलर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, या फिर आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इलीगल जगहों पर, तो उन सब चीज़ों पर आप पे फाइन लगाया जा सकता है। और इवन जो यहाँ पे एम्पावर कर दे इन सारी बॉडीज़ को कि ये जो यहाँ पे एनवायरमेंटल कंपनसेशन ले ले, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई एनवायरमेंट को अफेक्ट करता हो, कोई गलत काम किया है, तो आपको इतने सारे ट्रीज उगाने पड़ेंगे या फिर कुछ और चीज़ें करनी हो, तो ऐसे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं एयर पोल्यूशन के काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो एक पॉइंट सोल्यूशन जो है इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज और लीडरशिप जो है यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, और कोई भी चेंज जो है बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के हो नहीं सकता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। और एंड ऑफ द डे हमें ये समझना है कि ब्रीथिंग क्लीन एयर इज एक्चुअली अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द सिटीजंस, और ये भी इसलिए काफी सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है उससे भी सेम एसेंस यहाँ पे आया है। अगला एक्सप्लेन पेज पे एक छोटा सा आर्टिकल फिर से यहाँ पे व्हाट्सएप का जो पूरा केस है और जो स्पाइवेयर फर्म है उसके बारे में आया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सेम पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। एनएसओ का एक ग्रुप है जो कि इजरायली बेस्ड कंपनी है, तो इसने बेसिकली पिगासस नाम का एक बेसिकली जो यहाँ पे स्पाइवेयर है ये लॉन्च किया था। अभी कैसे व्हाट्सएप को एंटर करता है वो भी मैंने आपको बताया था कि एक कॉल आती है आपको, उठाए ना उठाए ये आपके फोन में एंटर कर लेता है, और उसके बाद जो है ये बेसिकली एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है, आपके माइक्रोफोन कैमरा सबको जो यूज कर सकता है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा ये सारी चीजें करने के लिए जो है ये जो एनएसओ का पेरेंट ग्रुप है जिसका नाम है क्यू साइबर टेक्नोलॉजी, तो इसने काफी सारे सर्वर्स यूज किए थे और सर्वर्स का जो बेस है ये आपको यूएस में नजर आएगा, और काफी सारी कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व है जिन्होंने ये सर्वर प्रोवाइड किया था। आप पूरा टाइमलाइन भी यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया हो, जैसे मई 13, 2019 में जो है फेसबुक ने पब्लिकली पहले अनाउंस किया कि व्हाट्सएप जो है वल्नरेबल है और इस पे जो है एनएसओ स्पाइवर अटैक हुआ है। मई 17 में जो है ये वल्नरेबिलिटी लिस्ट 13 में लिखा गया था, उसके बाद जो है सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया गया, और अक्टूबर में 29 को जो है यहाँ पे कंप्लेन फाइल की गई है कैलिफोर्निया कोर्ट में अगेंस्ट एनएसओ। तो ये बेसिकली जो है इसका रिसेंट अपडेट है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही लिखी गई है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अगला आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे आज़ादी मार्च से रिलेटेड है, वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली आजादी मार्च पाकिस्तान में हो रहा है। किसके खिलाफ हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ। अब यहाँ पे आप जान सकते हैं कि ऐसे मार्च जो है पहले भी हुए हैं पास्ट में, और उसको लीड इमरान खान ने ही किया था पिछले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। सिमिलर तरीके से उनके खिलाफ भी अब यहाँ पे एक आजादी मार्च यहाँ पर रिलीज हुआ है। इनको कौन लीड कर रहा है? लीड किया जा रहा है फजलुर रहमान के द्वारा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अब इमरान खान यहाँ पे नीचे उतर सकते हैं या फिर नहीं भी उतर सकते, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की आर्मी किसको सपोर्ट कर रहा है। पहले भी ऐसा ही हुआ है, अभी भी ऐसा ही होने वाला है ऐसा बताया गया है। अब कॉन्ट्रोवर्सी क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे उठा ये जा रहा है कि जिस इलेक्शन में इमरान खान सेलेक्ट होकर आए हैं उसमें कॉन्ट्रोवर्सी है, मतलब
यहाँ पे जिस तरीके से सेलेक्ट हुए हैं और जो पूरा मैकेनिज्म है उसे अनफेयर बताया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होती जा रही है, इसका जो जिम्मेदार है ये भी इमरान खान को बोला जा रहा है इस पूरे कैंपेन के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं मोटिव तो काफी पॉलिटिकल है यहाँ पे फजलुर रहमान का, तो वही चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है तो डिस्कस ज्यादा डिटेल में नहीं किया। अगला आर्टिकल यहाँ पे प्लैनेट से रिलेटेड है। आपको पता है कि यहाँ पे एक दिन 24 आवर्स का होता है अर्थ पे, उसी तरीके से बाकी प्लैनेट पे वन डे कितने आवर्स होते हैं उसे जो है साइंटिस्ट इवैल्यूएट करते हैं। अब यहाँ पे दो ऐसे प्लैनेट्स है जिन पे काफी एम्बिग्यूटी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सोलर सिस्टम का छोटा सा मैप है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ की लोकेशन, जुपिटर, इन सब के जो यहाँ पे वन डे का कितना आवर्स होता है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन वीनस की अगर हम बात करते हैं बेसिकली ऑड वन आउट हो जाता है। एक तो ये क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे अलॉट करना काफी मुश्किल रहता है, तो इसी वजह से कि मतलब एक दिन में इसके कितने घंटे होते हैं तो ये पता लगाने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है और जितने भी लोगों ने इसे इवैल्यूएट किया है काफी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सैटर्न की तो इसका भी यहाँ पे जो है वन डे में कितने आवर्स होते हैं वो कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर इसके कंपेरिजन में जुपिटर की बात करते हैं तो वहां से जो हम यहाँ पे जो रेडियो पैटर्न है उसे हम यहाँ पे एनालाइज करके कर सकते हैं, लेकिन सैटर्न से जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आती हैं काफी लो फ्रीक्वेंसी होती है तो इसी वजह से उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी हमने कैलकुलेशन किए बेस्ड ऑन की जो हमने सैटेलाइट्स वहाँ पे भेजे तो वो काफी ज्यादा एम्बिगुअस डेटा यहाँ पे देती है, तो वही चीज को यहाँ पे बताया गया है। अगले जो दो क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पहला क्वेश्चन है कि बताइए उज्बेकिस्तान की कैपिटल और करेंसी क्या है, और अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ गोटी प्रोलू इज इन विच स्टेट। तो रिसेंटली काफी न्यूज पे थी ये जगह, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।